दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट मेडिकल साइंस सेंटर से। आज हम लोग टॉपिक डील कर रहे हैं काइलुरिया। जैसा कि देखने से लग रहा है यूरिन से रिलेटेड ये डिजॉर्डर्स होगा, तो क्लिनिकल मेडिसिन का ये पार्ट है। यूरिन में जब काइल पास करता है उसको लोग बोलते हैं काइलुरिया, यानी काइलुरिया। काइल क्या होता है ये पहले देख लें हम लोग, अर्थात हम देखते हैं कि यूरिन से जब पास करेगा कब पास करता है वो देख लेते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग ये देखते हैं कि जैसे काइल लिम्फैटिक डक्ट, जैसे ये लिम्फ नोड होता है, लिम्फ नोड है और यहाँ पर लिम्फैटिक डक्ट है, और लिम्फैटिक डक्ट में यहाँ पर लिम्फैटिक फ्लूइड्स होती है। तो लिम्फ नोड क्या करता है कि यहाँ से लिम्फ बना करके और लिम्फैटिक चैनल के द्वारा और इंटरस्टिशियल स्पेस में भेज देती है। और जहाँ पर इस लिम्फ का कई फंक्शन होता है, फंक्शन क्या होता है इसका कि वहाँ पर इम्यूनिटी को मेंटेन करना और प्लस कुछ कंपोनेंट को मेंटेन करना, वाटर बैलेंस करना, ये सब काम वहाँ पर लिम्फ का होती है। अब जो बात चलते हैं काइलुरिया के बारे में, यानी कि यूरिन से काइल का पास करते हैं, तो हाँ काइल किसको बोलते हैं, तो जब लिम्फैटिक ड्रॉपलेट्स जब ये डायरेक्टली ब्लड में आने लगता है और ब्लड के बाद ये जब यूरिन से पास करने लगता है उस कंडीशन को लोग बोलते हैं काइलुरिया। जैसे सुनिए गौर से, यानी कि नॉर्मल में ये काइल पास नहीं करता है। तो पहला काइल कहते किसको है, लिम्फैटिक ड्रॉपलेट को बोलते हैं। तो लिम्फैटिक ड्रॉपलेट को क्या कहते हैं, काइल कहते हैं। तो इन नॉर्मली काइल नॉट प्रेजेंट इन ब्लड, जब ब्लड में प्रेजेंट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, जब ब्लड में प्रेजेंट नहीं हुआ तो फिर यूरिन से प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब कि ब्लड में कब आवेगा काइल, तो ब्लड में आवेगा तब जब ब्लड में ड्रॉपलेट बनकर के आती है। यानी कि कहीं ना कहीं लिम्फैटिक ऑब्स्ट्रक्शन के केस में, ये जो लिम्फैटिक ऑब्स्ट्रक्शन के केस में लिम्फ जो होती है वो ड्रॉपलेट बन के ब्लड में आएगी और उसके बाद वो क्या होगी, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन से पास कर फिल्टर कर करके और वो क्या होगी, यूरिन से पास कर लेगा। तो इसका मतलब कि यूरिन में जब ये मिलना स्टार्ट हो जाएगी तो उस कंडीशन को लोग बोलेंगे काइलुरिया बोलते हैं। चलिए ये तो हम लोग समझ में आ गया कि जब वो मिलता है। अब बात आते हैं कि ये किस किस कंडीशन में ये पास करेगा, तो लिम्फैटिक ऑब्स्ट्रक्शन का क्या क्या कारण हो सकता है और कब कब ये पास कर सकता है। तो सबसे पहले आते हैं जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वो है फाइलेरिया, ब्यूचेरिया बेनक्रॉप्टी के केस में। ब्यूचेरिया बेनक्रॉप्टी एक पैरासाइट है, निमेटोड है, वह हेलमिंथ है। जब उसका इन्फेक्शन जब ब्लड लिम्फेटिक वेसल्स में होता है, वो लिम्फेटिक वेसल्स में क्या करता है, वो एडल्ट वर्म बन करके और लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक कर देता है। और उसके कारण क्या होता है कि जो लिम्फेटिक फ्लूड होती है वो डायरेक्ट वो ब्लड में आने लगता है और ब्लड के बाद वो सीधा क्या होता है, वो यूरिन से पास करने लगता है। यानी कि काइलुरिया जो होती है वो फाइलेरियासिस का एक मोस्ट इंपोर्टेंट एक सिम्टम भी है, साइन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट उसका ये आता है, फैक्ट आता है। दूसरा नंबर जो आता है, अगर बाय द वे लिम्फेटिक वेसल्स में कोई एक ऐसा ट्यूमर सब्सटेंस मेलेनिन, जैसे खासकर मेलेनिन ट्यूमर, उसमें जाकर के ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो मेलेनिन ट्यूमर अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर जाए तो उस केस में क्या हो जाएगी, उसमें भी यूरिन से काइल पास करने लगता है। तो इसमें भी क्या होता है कि मेलेनिन ट्यूमर आने के बाद से ब्लड में जो लिम्फेटिक फ्लूइड होती है वो यूरिन से पास करेगा। अगला आता है फिर जैसे हाइड्रोसील है या फिर प्रोस्टेट इनलार्ज है, उस केस में भी कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली वो तो डायरेक्टली क्या हो जाएगी, वो डायरेक्टली जो लिम्फेटिक फ्लूइड होती है वो डायरेक्टली क्या होती है, वो डायरेक्टली यूरिन से आने लगता है बिना फिल्टर हुए। इस सारे कंडीशन को क्या बोलते हैं लोग, काइलुरिया बोलते हैं। इसका मतलब काइलुरिया समझ में आ गया कि इटियोलॉजी क्या होती है। अब आते हैं सिम्टम में, तो सिम्टम क्या होती है काइलुरिया जब भी पास करते हैं, यूरिन का कलर कैसा होता है, कलर ऑफ यूरिन क्लाउडी या व्हाइटिस, यूरिन का कलर क्लाउडी हो जाता है या व्हाइटिस हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक साइन है उसमें सिम्टम है। दूसरी चीज है कि एसोसिएट सिम्टम क्या मिलेगी, जैसे लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन का होगा तो वहाँ पे पेन होगा, स्वेलिंग होगा बॉडी में, या फिर अगर पैर में अगर कंडीशन है तो वहाँ पे एलिफेंटियासिस होगी, या अगर जेनिटल ऑर्गन में होगा तो वहाँ पर स्वेलिंग होगी। तो एसोसिएट सिम्टम इसमें मिलेगा, फीवर मिल सकता है, वीकनेस मिल सकता है, बॉडी एक मिल सकता है ना, ये सब उसमें जो तो एसोसिएट सिम्टम मिल सकता है। साइन में अकॉर्डिंग टू जिस तरह का उसका डिजीज होगा उसके अनुसार उसमें साइन मिल सकती है ना। लेकिन काइलुरिया का स्पेसिफिक कोई साइन सिम्टम नहीं है, ये तो खुद अपने आप में एक अलग कंडीशन आता है जिसको काइलुरिया बोलते हैं। अब आते हैं बात कॉम्प्लिकेशन, तो काइलुरिया का कोई स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन नहीं है क्योंकि ये तो लिम्फेटिक फ्लूइड है। हाँ ये चीज़ है कि जिसको वर्क होना चाहिए तो बॉडी में यूज नहीं होगी, तो एक तरह से होगा इम्यूनिटी कमजोर मिलेगी, इतना होता है कि इम्यूनिटी कमजोर मिलता है, पेशेंट को बार बार कोई ना कोई इन्फेक्शन होने की चांसेस हो सकती है। अब जो बात आते हैं इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं हम लोग, आरियो फ्यूरिन लिखते हैं और आरियो फ्यूरिन में क्या करते हैं, आरी ऑफ यूरिन, आरियो फ्यूरिन में क्या जब देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे काइल, काइल के सामने देखेंगे क्या लिखा रहे, क्या ट्रेस या प्रजेंट वन प्लस, प्रजेंट टू प्लस, प्रजेंट थ्री प्लस या प्रजेंट फोर प्लस, इस तरह से क्या होगी इसमें आपको काइल का
फाइंडिंग इसमें अलग अलग ग्रेड के अनुसार, अलग अलग अमाउंट के अनुसार इसमें प्रेजेंट मिलता है। तो ये हमको मिल गया इसको इन्वेस्टिगेशन में। हाँ, अगर और भी चार चलो कराए देखा जाते हैं तो क्या कहते हैं, ब्लड के लिए क्या कराएंगे, एम एफ टेस्ट। तो ब्लड का एम एफ टेस्ट कराएंगे तो एम एफ में क्या होगी, एम एफ में पॉजिटिव मिल सकती है फलिया केस में। उसके बाद एम एफ टेस्ट पॉजिटिव माइक्रोफिलिया, एम एफ का मतलब होता है माइक्रोफिलिया, वो क्या मिली पॉजिटिव मिलेगी। और बाकी वाले फिर अगर कहीं पर स्वेलिंग या कार्सिनोमा वगैरह हो तो उसके लिए हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, हम लोग सी टी स्कैन करा करके देख सकते हैं। अब जो मैनेजमेंट जो होती है ना इसके लिए, जो फाइलेसिस का जो मैनेजमेंट होती है उस तरह से करते हैं हम लोग मैनेजमेंट। इसनोफिलिक डाइट को नहीं देते हैं, कोल्ड डाइट नहीं देते हैं, जैसे बैगन हुआ या फिर दही है या ठंडा चीज़, ये सब चीज़ें अवॉइड करते हैं पेशेंट को। और इस तरह से लोग पेशेंट को यह मैनेजमेंट कर लेते हैं। और होम्योपैथिक दवा में क्या करते हैं लोग, हाइड्रोकोटाइल देते हैं, लिडाप्राल देते हैं, अर्निका देते हैं, या फिर अगर कैंसर वैसे की बात होते हैं तो फिर कैंसरोसिन देते हैं। ये था मेरा काइलुडिया। बाकी बातें अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स करेंगे, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर चलते हैं। थैंक्स।